हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज हम लोग कार्तिकेय 2 और लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन मूवी को लेकर। इस मूवी का कैसे कलेक्शन हुआ है और ये मूवी क्या इतना ही कलेक्शन करने में मतलब इस मूवी को बनाया गया था। इस मूवी का जो मतलब जिस मूवी का एकदम कमती बजट है उस मूवी का इतना अच्छा कलेक्शन आ रहा है, जिस मूवी का ज़्यादा बजट है उस मूवी का एकदम नाक के मर्तबा में मतलब कलेक्शन आ रही है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि लाल सिंह चड्ढा का और रक्षाबंधन का जिस हिसाब से मतलब बाइकआउट हुआ, जिस हिसाब से उस मूवी को ट्रोलिंग किया लोग, जिस हिसाब से इस मूवी पे भिड़ गया आदमी, उस हिसाब से इस मूवी का कलेक्शन बहुत ही मतलब ख़राब हुआ। जो आमिर खान एक दिन में मतलब उनका जो कलेक्शन 50 से लेकर 53 करोड़ तक का आने वाला था, जो एक फ्लॉप मूवी उस वक्त हुई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उतना कलेक्शन करने में आज भी मतलब साबित नहीं हो पाया है कि 5 दिन में भी उतना कलेक्शन नहीं कर पाया हुआ है। वही कार्तिकेय 2 जो मूवी आई हुई है जिसका मतलब बजट सुनने में ये आ रहा है कि 30 करोड़ है, वो इतना अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, इतना अच्छा खासा वो कलेक्शन करने में साबित हो गई है। जैसे कि कश्मीर फाइल आई थी उस वक्त मतलब कश्मीर फाइल का शुरू शुरू में उतना स्क्रीन नहीं मिला, उतना थिएटर में नहीं लगा हुआ था, और उसके बाद से जो उसका बज उठाया था उसी हिसाब से कार्तिकेय 2 का अभी बज उठा रही है, उसी हिसाब से इसका स्क्रीन बढ़ रही है, इसी हिसाब से मतलब इस मूवी को पब्लिक देखने भी जा रही है। बहुत ज़्यादा का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, 300 का, 289 का, ऐसा ऐसा मतलब इस मूवी के लिए पब्लिक के दिलों में मतलब देखने जाने के लिए मतलब उतौले हो रहे हैं। जहाँ तक रक्षाबंधन की बात करें, रक्षाबंधन भी मूवी एक अच्छा खासा है, हमको तो अच्छा लगा लेकिन और सारे पब्लिक को शायद अच्छी नहीं लगी, और कुछ बातों की वजह से अक्षय कुमार सर ने भी बोला हुआ था, इसकी वजह से वो भी बाइकआउट हुआ था और वो भी मूवी नहीं चली। उसका राइटर का भी मतलब इसमें प्रॉब्लम था, राइटर बहुत सारे बातों पर मतलब ट्वीट की हुई थी, इसके लिए वो भी मूवी नहीं चला। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लाल सिंह चड्ढा, क्योंकि बजट के मामले में वो एक बड़ी मूवी है। इसके लिए लाल सिंह चड्ढा आज 5 दिन हो गया और पाँचवा दिन में, यानी आज छठा दिन है लेकिन 5 दिन मंडे तक होता है, 5 दिन में आपको 85.83 करोड़ का मतलब बिजनेस किया हुआ है, यानी 45.83 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है ओनली इंडिया का, और ये 5 दिन का कलेक्शन है जो आमिर खान का एक दिन का 50 से लेके मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का मतलब 53 तक इसका करोड़ तक इसका कलेक्शन आया हुआ था। रक्षाबंधन का भी इससे पहले जो भी मतलब मूवी अक्षय कुमार सर के आई है 5 दिन में 4 दिन में, इससे तो ज़्यादा ही कमाती थी, उनका 5 दिनों में 34.47 करोड़, यानी कि 34.47 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। इनका भी मतलब लगातार 2-3 फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, ये भी मूवी उतना खास ज़्यादा बजट के लिए नहीं है, लेकिन इस मूवी का भी कलेक्शन मतलब जो बजट है वो भी निकलना बहुत मुश्किल है। 60 से लेकर 70 करोड़ तक का रक्षाबंधन का बजट है लेकिन अभी तक का 34 करोड़ का ही बिजनेस किया हुआ है ओनली इंडिया में, तो इस मूवी का मतलब वहाँ तक पहुँचने लगभग अभी आधा मतलब इसका कलेक्शन करना बाकी है। जो बजट निकाल पाएगी तो समझिए ये भी मूवी एक बहुत बड़ी फ्लॉप हो जाएगी। यहीं तक लगभग 2 दिन बाद में कार्तिकेय 2 मूवी आया। कार्तिकेय 2 मूवी का स्टोरी ठीक ठाक है, स्टोरी में मतलब उतना खास मतलब जो बोलते हैं एक चीज़ के तलाश में मतलब लगे हुए हैं। आप लोग अगर फिल्म देख लें तो आप लोगों को स्टोरी मालूम हो गया, नहीं देखें तो आप लोग जाइए देखिए, हिंदी डब भी बहुत अच्छा खासा है। और किस तरीके से मतलब जिस पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसको विश्वास नहीं करते हुए भी उनको उस पर विश्वास करना पड़ गया और वो मूवी एक अच्छा खासा हुआ है। पब्लिक को इसका स्टोरी पसंद आ रही है और इसका कहानी पसंद आ रही है, इसका विजुअल, इसका म्यूजिक, A to Z पब्लिक को पसंद आ रही है, इसके लिए इस मूवी का ग्रोथ बढ़ रही है। अब हिंदी वर्जन का इससे बात करते हैं। हिंदी वर्जन में जो है सैटरडे को ये मूवी रिलीज हुआ, सैटरडे को हिंदी वर्जन में सिर्फ 7 लाख का ही कलेक्शन किया हुआ था, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, 7 लाख का कलेक्शन किया हुआ था, वही संडे का लगभग 28 लाख का मतलब कलेक्शन किया ये मूवी। और वही मंडे का जहाँ तक बात करें, मंडे का इसका जो कलेक्शन आया हुआ है एकदम 3 गुना 4 गुना बढ़ते गए, 7 तारीख के साथ जो को 28 है 4 गुना मतलब संडे को बढ़ा हुआ है, और उसका 4 गुना मतलब आपको मंडे को बढ़ा हुआ है। मंडे का 1.10 करोड़ का इसका कलेक्शन हुआ है, यानी अब 28 से लेके आप मान लीजिए अब 1.10 करोड़ हुआ है तो 4 गुना वो भी बढ़ गया है, तो एवरीडे इसका 4 गुना या 4 तियाँ मतलब वो आगे बढ़ते ही मूवी कार्तिकेय 2 जा रही है, तो
टोटल इसका 3 दिन का ही कलेक्शन 1.45 करोड़, यानी 1 करोड़ 45 लाख का इसका 3 दिन का ही कलेक्शन हो गया है। अगर इसका आज का दिन का बात करें ट्यूसडे का, तो इसका और भी कलेक्शन आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पब्लिक की ग्रोथ अच्छा खासा मिल रही है, पब्लिक अच्छा खासा इस मूवी को देखने जा रहे हैं, तो लाजिम मतलब आगे में ये मूवी बढ़ना ही है। सबसे पहली बात यह है कि जो मूवी को मतलब पब्लिक पसंद कर लिया, दिल में चढ़ा लिया, उस हिसाब से अगर कोई भी मूवी को कैसा भी हो उसको पब्लिक देखेंगे ही जाएंगे। खास करके बॉलीवुड का जो भी मूवी आ रही है वो पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रहे हैं और पब्लिक उस मूवी को नकार रहे हैं। साउथ का कोई भी मूवी मतलब है, साउथ का भी, साउथ की तरफ मूवी उतना खास मतलब बहुत सारे जो मूवी है जो नहीं चल रही है। हालाँकि जो भी अभी तेलुगु तमिल जो भी लैंग्वेज में आई हुई है वो मूवी अच्छा खासा मतलब चली हुई है, अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ है। ओवरऑल आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा। और पहले का जो चैनल था वो चैनल ब्लॉक हो चुका है, ये नया चैनल है, तो इस पर आप लोगों को सपोर्ट ज़रूरत है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।